पर ये दोनों के लिए यहाँ पर मैं कुछ ला के रख दी थी, सुबह गई थी तो इन दोनों मांग रहे थे, डोली को चाहिए थे मम्मी लादो करके, तो यहाँ मैं रखी थी, वही इन दोनों को मिल गया है। रिमोट के पास ही रख दिया था, इन दोनों रिमोट ही पहले पकड़ते हैं स्कूल से आने के बाद, हैंड वॉश वगैरह करने के बाद, तो इन दोनों को मिल गया है, वही पहले खाएंगे बोल रहे थे। च्युइंगम जैसे है, उसमें टॉफी का फ्लेवर रहता है, अच्छा है, ऐसे मौत फ्रेशनर जैसे लगता है, मैंने भी खा के देखा था। और इधर अभी आप सब लोगों से मिल रहे हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग को सुबह उठते साथ जो देखा, बहुत ही तेज़ आंधी तूफान हो रहा था, और कल रात को हम सो ही नहीं रहे थे, मच्छर परेशान कर रहे थे, मतलब सही से सोए भी नहीं, कल ऐसे पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए थे। पहले दिन तो ऐसे नहीं लग रहा था, दो तीन दिन से ऐसे बारिश तो हो ही रही है, फिर भी ऐसे नहीं लग रहा था, लेकिन कल सो ही नहीं पा रहे थे, थोड़ा दो तो बज गया था शायद ऐसे ही, फिर हम सो गए, सुबह 6 बजे उठे, जल्दी जल्दी से उठ गए थे, और मैं सोच रही थी कहाँ से क्या आवाज़ आ रहा है, बाहर खोल के देख रही थी, क्या पता बारिश ही होगा, खोल के देख रही थी तो बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, और पूरा जो है बालकनी में पानी भर गया था। और इधर मैं बना रही हूँ, बच्चों को छोड़ के आ गई थी, नाश्ता वगैरह उन दोनों के लिए आज दही रोटी कर दिया था, और मिनी लंच के लिए बिस्किट रख दिया था, वही दे दिया था उन दोनों को जल्दी जल्दी से करके। और इधर मैं हस्बैंड जी के लिए आज मैं बना रही हूँ कालीमल का दाल तड़का, कालीमल का बोलते हैं, कोई कोई काली दाल भी बोलते हैं, साबुत वाला जो होता है। यहाँ मैंने टमाटर वगैरह अच्छे से पका लिया है, लहसुन वगैरह और कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल दिया था, और सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च वगैरह सारा ही, और मसाला सब स्वादानुसार, नमक सब, तड़का लग चुका है ऐसे, तो आज ये हस्बैंड जी यही ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। अभी मैं मिल रही हूँ आप सब लोगों से, बच्चों को भी और हस्बैंड जी को भी ऑफिस भेज दिया है, उसके बाद मिल रही हूँ। और आज जो है बारिश पता नहीं रात से ही हो रही थी, शायद बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, पूरे रोड में नाले के किनारे जो है पानी भरा हुआ था, बच्चों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जो बस से आ रहे हैं वो भी, और बाइक स्कूटी सब से आ रहे हैं, उन लोगों का भी दिक्कत हो रहा था। चलो उन लोग तो किसी तरह पार हो जाएंगे, लेकिन पैदल जो आने जाने वाले हैं उन लोगों का तो और बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि सूज पहन के रखते हैं फिर गीला भी हो सकता है। तो इधर उधर रोड सब हम देख रहे थे, आज हम भी जब सुबह निकल गए थे, मतलब सुबह तो बारिश हो रही थी, सोच रहे थे आज भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बारिश जो है रुक गई थी, तो हम लोग तैयार हो गए थे जल्दी जल्दी से, फिर डोली परी दोनों को मैं पहुंचाने के लिए निकल गई। एंड के लिए जो है लाइट चली गई थी और हम लोग भी फंस गए थे, घर से तो हम निकल गए थे बारिश रुक गई करके, जैसे ही हम भी सड़क में पहुँच गए, मतलब स्कूल से भी और हम लोगों के घर से भी सड़क में पहुंच गए थे, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी था, किधर से भी जाओ पानी बहुत ही ज़्यादा था, फिर हम लोग बीच वाले रास्ते से निकल गए थे ऐसे किसी तरह, सब तरफ पानी पानी हो रखा था, और वापस घर आने की भी सोच रहे थे, लेकिन चलो अभी तो हम बाहर आ ही गए हैं, क्यों वापस घर जाना है। किसी तरह हम लोग स्कूल पहुँच गए ऐसे, और सर सब भी ऐसे ही आए थे, मैम सब भी बारिश में, और बच्चे भी आ रखे थे ऐसे, मैं देख रही थी बच्चे सब कम आए हैं कि कम तो आए हैं, लेकिन डोली परी के जो फ्रेंड्स हैं वो भी आए हुए थे लड़कियां, तो उन दोनों को मैं छोड़ के आ गई थी, फिर मैं भी अपना दूध वगैरह लेके किसी तरह आ गई थी ऐसे। सुबह का हालत बहुत ही बुरा था ऐसे, आज का पानी पानी हो रखा था सब तरफ, तो अभी मेरा काम सब भी नहीं हुआ है, जस्ट मैं अभी हस्बैंड जी को भेज दी हूँ, उसके बाद ही आप सब लोगों से थोड़ा सा आज का हाल चाल बात कर लूँ, पूछ लूँ करके, और आप सब लोग ज़रूर बताइएगा आप सब लोगों के इधर का हाल क्या है बारिश का। और चलिए अभी काम सब शुरू करते हैं, टाइम जो है जल्दी से हो जाता है, मिलते हैं आप सबसे बाद में। और ये रहा बालकनी का हाल, आप सब देख सकते हैं, कल मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सही से कर दिया था, और उसके बाद जो है बारिश हो गई है, सारा फिर से गंदा हो गया है। और डोली परी दोनों को छोड़ने गए थे तब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम बीच में ही फंस गए थे ऐसे, छतरी तो हम लेके गए थे, ऐसे मैं वापस आ गई दूध वगैरह लेके। और ये इधर मैं आज थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, ये जहाँ चावल वगैरह रखते हैं ना, चावल ड्रम वगैरह, वहाँ मैंने साफ़ नहीं किया था, और ये रहा देख सकते हैं चूहों ने क्या हाल कर दिया था सर्दियों में, अभी तो ऐसे कुछ दिनों से जो हैं चूहा नहीं दिख रहे हैं, देखते हैं शायद वापस आएंगे कि क्या पता नहीं। और यहाँ मैं थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, जो भी इन दोनों डोली परी दोनों को कंचिका में मिला था, प्लेट वगैरह, और ये जैम बोतल वगैरह, हनी बोतल वगैरह अभी तक रखा है ऐसे, कबाड़ी में देंगे सोचती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी बोलते हैं कभी कभी काम में आता है, रख दिया करो, मत फेंका करो, कबाड़ी में मत दो। और यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन हैं, पुराने नहीं नए हैं,
मतलब यूज नहीं हो रहा है, जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो सबको भी इसमें रख दिया है। और इधर मैं अंदर से सारा सामान निकाल रखी थी, चावल हो गया और जो भी एक्स्ट्रा बोतल था, प्लेट वगैरह, बर्तन वगैरह, लोटा वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। और यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ साबुन या सर्फ वगैरह लगा के अच्छा से पोंछ भी लूँगी। यहाँ ऐसे झाड़ू लगाना नहीं हो पा रहा था सही से, फिर मैंने कपड़ा गीला करके थोड़ा सा कर लिया था, उससे जो भी मिट्टी जैसा था ना वो सब गीले कपड़े से सही निकलता है, तो ऐसे ही मैंने कर लिया था। और इधर मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी, उसके बाद जो है अभी ये सब मैं रख दूँगी, ये अंदर साइड ही रखेंगे। कभी कभार कोई आते हैं तो ये बर्तन वगैरह निकालते हैं ऐसे, और ये इसमें जितने भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक वाला प्लेट वगैरह है ये सबको मैं रख दे रही हूँ, जो भी यूज नहीं हो रहा है। ऐसे ये सब ना पुराने बर्तन वालों को देना है, ऐसे पुराने बर्तन जो होते हैं वो सब, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ किसको क्या देना है। घर के यहाँ आते तो हैं लेकिन कोई कोई अच्छे होते हैं, कोई कोई ऐसे ही ज़्यादा सामान लेके कुछ भी दे देते हैं, इस वजह से जो है ऐसे ही रखा हुआ है ये सब। और ये माजा वाला बोतल ऐसे कभी कभार काम आता है, कोई भी पानी मांगने आ जाते हैं, कोई क्या मतलब काम करने के लिए किसी किसी को कभी कभार भेज देते हैं ना रिपेयर वगैरह करने के लिए, तो कभी कभार पानी वगैरह मांगते हैं तो ये बोतल सब में दे देते हैं। और यहाँ ये एक्स्ट्रा पाइप वगैरह था, रेगुलेटर पाइप, ये सब मैं रख दे रही हूँ सही से। और अभी चावल रखना है, ऐसे चावल भी बहुत ही भारी लग रहा था हटाने में, उठाने में, किसी तरह मैंने कर लिया था ऐसे। कुछ भी सामान निकाला था सारा ही वापस से रख दिया है, सेट कर दिया है अपने अपने जगह पर। और अभी मैं यहीं से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर साफ सफाई थोड़ा कर देते हैं। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब मैंने साफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ जो है सिंक को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। रात में हो या कभी भी हो, मैं बर्तन साफ़ करने के साथ साथ जो है सिंक साफ़ कर देती हूँ, ऐसे में क्या होता है गंदा नहीं होता है, साफ़ ही रहता है, और कीड़े वगैरह आने का जो होता है ना वो भी नहीं आते हैं, ऐसे हमेशा साफ़ रखो तो। और इसमें कभी कभार मैं नमक पानी वगैरह भी डालती हूँ, बॉयल करके उबलता हुआ गर्म पानी वगैरह भी डालती हूँ, ताकि नाली में मतलब पाइप में जाम ना हो, जो कुछ भी फंसा उसा हो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं हमेशा साफ़ सफाई रखती हूँ ऐसे, और ये पाइप भी मैं सेट कर दे रही हूँ, नितर जाता है ऐसे, ये आरओ का पाइप है। यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसी तरीके से मैं किचन का सिंक को साफ़ सफाई करके रखती हूँ, और कीड़े वगैरह जो है नहीं आते हैं। और कपूर वगैरह भी ऐसे डाल सकते हैं रात में। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।